नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। किसानों पर, किसान आंदोलन पर और किसानों के साथ बातचीत बंद है, राजनीति जारी। इसीलिए 67 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में समाधान कम दिख रहा है और घमासान कहीं ज्यादा, मुद्दे कहीं पिछड़ गए हैं। राजनीतिक समीकरण सबसे आगे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 महीनों में आंदोलन की आग लाखों दिलों में धधकी है, लेकिन क्या अब दिमाग उन दिलों पर हावी होने लगा है? ऐसे ही कुछ सवालों पर केंद्रित होगा हमारा आज का ये शो। लेकिन सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। 67 दिन, 12 दौर की बातचीत, नतीजा 0। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से अड़े हैं और सरकार अपने तर्कों पर। इस बीच मुलाकातें हुई, बातें हुई, लेकिन समस्या के समीकरण इतने उलझे हैं कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे। हर सुबह उम्मीदों का सूरज उगता है, लेकिन शाम होते होते आशंकाओं का साया फिर से छाने लगता है। फिलहाल हालात ये हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई, साथ ही कई और रास्तों को बंद कर दिया गया है। बातों की डोर जहां ढीली पड़ी है, वहीं सियासत दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरियां खत्म करने वाला एक अहम बयान देकर दिल जीतने की कोशिश की थी। सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। दूसरी तरफ किसान नेताओं का साफ साफ कहना है कि बातों और मुलाकातों के लिए पहले माहौल तो बनाया जाए, दबाव के साथ ये काम नहीं हो सकता। बातचीत करेंगे, अगर उनको करनी है तो बातचीत कर लेंगे। हम, हमारे लोग हैं वे जेलों में बंद हैं, प्रेशर बढ़ा के बंदूक की नोक पे बात नहीं होगी। लाइन बराबर होगी तो किसान बातचीत करेगा, प्रेशर में बात नहीं करेगा किसान। 2 महीने बाद भी हालात ये हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन का अंत होता दिख नहीं रहा। अंत तो छोड़िए, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की तपिश तो ज्यादातर सियासी दलों के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका बन गई है। प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए GST बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने को नहीं है, मगर उनको यह नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, एक इंच पीछे मत हटिए, एक इंच पीछे मत हटिए। किसान जो 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन कर रहा है, उसको जो है साजिश के द्वारा जो है खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कितनी भी सरकार की बल साजिशें, जो नापाक इरादे हैं, वो कोई काम नहीं आ रहा। ये सियासी समीकरणों का ही नतीजा था कि 26 जनवरी को देश ने लाल किले पर सिर झुकाने वाले ये लम्हे भी देखे। रविवार को पीएम मोदी ने मन की बात में भी उन लाखों भारतीयों के दर्द का बयान किया जिन्हें 26 जनवरी को इन तस्वीरों को देखकर ठेस पहुंची थी। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। इन 2 महीनों में देश ने इस आंदोलन के जरिए बहुत कुछ देखा और झेला है। सुना तो बहुत है कि बात से बात बनती है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों पक्षों के बीच आखिर बात कब बनती है। हिमांशु मिश्रा और कुमार कुणाल के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।
किसान आंदोलन का क्या होगा? किसान आंदोलन 67 दिन पार कर चुका है, लगातार किसानों की तादाद और बढ़ती जा रही है, बातचीत फिलहाल बंद पड़ी है, राजनीति ज्यादा होती जा रही है। सुप्रिया शिनेत जी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, अपराजिता सारंगी जी बीजेपी की प्रवक्ता, बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी, अपराजिता जी। धर्मेंद्र मलिक जी हैं जो कि मीडिया इंचार्ज हैं भारतीय किसान यूनियन दिल्ली से हमारे साथ हैं। भानु प्रताप सिंह जी नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन, और कुलदीप सिंह धालीवाल जी चेयरमैन किसान गुरुकुल ग्रुप, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले ये बता दें कि बागपत में इस वक्त किसानों की महापंचायत चल रही है और वहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव। शिवेंद्र, क्या स्थिति है, क्यों किसान यहां पर बैठे हैं, क्या है इस महापंचायत का उद्देश्य और अभी तक यहां पर क्या हुआ है? देखिए, ये किसान महापंचायत बुलाई गई थी आज दिन में 12 बजे क्योंकि राकेश टिकैत के साथ जो गाजीपुर में हुआ उसमें दिखाने के लिए कि किस तरह से एकजुट हैं ये लोग। और इसके लिए इससे पहले मुजफ्फरनगर में की गई किसान पंचायत जिसमें करीब 10,000 के आसपास किसान इकट्ठा हुए थे। और ये बागपत का जो ये तहसील है उसका ग्राउंड है, आप देख सकते हैं 12 बजे के आसपास शुरू होनी थी लेकिन उसके बाद अभी काफी वक्त गुजर चुका है, उसके बाद भी यहाँ तमाम किसान डटे हुए हैं। और ये कई गाँव के किसान हैं जो इस बात के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि वो इस लड़ाई में राकेश टिकैत और जो भारतीय किसान यूनियन है उसके साथ हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर और यहाँ पे एक फर्क है कि वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग तमाम लोग आ गए थे, चाहे वो जयंत चौधरी हो, संजय सिंह हो, और उसके अलावा जो दूसरे और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग पदाधिकारी थे वो लोग आ गए थे। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से किसान और किसान नेता ही मौजूद हैं और लगातार इनके जो नेता लोग हैं वो यही अपील कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि हर हाल में उन्हें इस लड़ाई में शामिल रहना और सबके साथ रहना है, सबको एकजुट रहना है और जहां जरूरत पड़े उसको उस तरह से खड़े रहना है। और यही दिखाने के लिए यहां पर सॉलिडरिटी दिखाने के लिए यहां पर जो तमाम किसान हैं इकट्ठा हैं और एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं। ये एक तरीके से सही कहा जाए तो ये जो आंदोलन है उसमें जान फूंकने का काम करने वाला कदम है और इसीलिए अलग अलग जिलों में, अलग अलग पंचायतों में, अलग जगहों पर खाप पंचायत के लोग और किसान नेता और किसान लोग जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से उनकी जो लड़ाई है वो किसानों के हित को लेकर के लड़ाई है और किसी और तरीके का उनका कोई न तो न विवाद है और न झगड़ा है, इसीलिए सरकार को बात माननी चाहिए। अब इसके आगे सरकार का क्या कदम होगा ये देखने की बात होगी। सही, बहुत धन्यवाद आपका शिवेंद्र। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश के बागपत से। देखा आपने वहां पर एक महापंचायत किसानों की चल रही है। सारंगी जी, 67 दिन हो चुके हैं अपराजिता जी, किसान लगातार बैठे हुए हैं, सरकार जरूर कह रही है कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, 12 राउंड आपने बातचीत कर ली है, नरेंद्र सिंह तोमर लगातार ये कहते हैं कि आइए बात कीजिए, अब तो प्रधानमंत्री ने भी उनकी बात को आगे बढ़ा दिया कि वी आर जस्ट फोन कॉल अवे, एक फोन कर दीजिए और आपकी समस्या का समाधान। लेकिन अपराजिता जी, आपको लग नहीं रहा है कि अब यह आंदोलन और तेज हो गया, एक समय खत्म होता दिखाई दे रहा था 26 जनवरी के बाद, क्या सरकार लगातार फेल हो रही है किसानों के इस आंदोलन को संभाल पाने में? अपराजिता जी, आप सबको नमस्कार। मैं बहुत विनम्रता के साथ किंतु बहुत आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट करना चाहती हूं कि आज के दिन प्रत्येक भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का आभिमुख्य किसानों के प्रति जो है वो समझ गया है। हम सब किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के साथ खड़े रहेंगे। पिछले 68 दिनों में 11 दौर से ज़्यादा बातचीत हुई है और आप सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना, आदरणीय तोमर जी को जनवरी 22 को सुना। हम कहते हैं कि हम एक फोन कॉल से दूर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो और केंद्र सरकार जानती है और मुझे लगता है सब जानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान विवाद को बढ़ाकर नहीं होता है, विचार विमर्श से होता है, बातचीत से होता है, संवाद से होता है। तो हम तो उन्हें आदर के साथ आमंत्रित करते हैं। जिस तरह का हिंसा का तांडव 26 जनवरी को हुआ उसके बाद भी आप देखें सरकार में कितनी नरमी है, कितना लचीलापन है। हमें अपने किसानों, हमारे अन्नदाताओं के प्रति बहुत ही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। हम सम्मान के साथ उनको बुलाते हैं। देखिए, 3 चरणों में बातचीत हुई है।
आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, प्रथम हम लोगों ने संशोधन का प्रस्ताव दिया था। अपराजिता जी, आपने जितनी भी बात कही उतनी विनम्रता के साथ, जितना आपने आरंभ में आग्रह किया था उतनी ही विनम्रता के साथ जितनी बातें आपने बताई, एक भी नई बात नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जो जरा सा भी इस आंदोलन से प्रभावित है वो ये जानता है। क्या सरकार का काम अपराजिता जी यही होता है कि अगर कोई भी आंदोलन पर बैठ गया, किसान बैठ गए, तो उन्हें बैठे रहने दीजिए, उनकी तादाद बढ़ते रहने दीजिए, नेशनल हाईवेज को बंद कर दीजिए, लोगों को परेशानी हो रही है होने दीजिए, 150 से ज्यादा किसान मर गए हैं मर जाने दीजिए, हम बातचीत करते रहेंगे, हम अपने रुख पर अड़े रहेंगे, किसान भी अड़े हुए हैं, हम भी अड़े हुए हैं, हम तो अरे सवाल तो सुन लीजिए मैडम, क्या सरकार, बहुत अच्छी बात है सरकार ने कोई सख्ती नहीं की, अरे सवाल तो सुन लीजिए अपराजिता जी, सवाल तो सुन लीजिए, सरकार सिर्फ बातचीत करेगी इस कीमत पर कि हार्ड कपा देने वाली ठंड में हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठ गए, अस्थाई बस्तियां बस गई, हजारों लोगों का रोज खाना बन रहा है, 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लाखों लोग प्रभावित हैं उत्तर प्रदेश से, गाजियाबाद से, उधर हरियाणा की बॉर्डर पर आप ले लीजिए फरीदाबाद से, गुरुग्राम से, अगर किसी को कोई इमरजेंसी में अस्पताल आना है, अगर किसी बच्चे का एग्जाम है, अगर किसी के घर में कोई गमी हो गई है, कैसे आएगा वो परेशान हो? क्या सरकार की जिम्मेदारी हम लोगों की, आम इंसान की, देशवासियों के प्रति कुछ नहीं है? किसान 67 दिन बैठे हुए, 167 दिन हो जाए, 267 दिन हो जाए, बैठे रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, बोलिए प्लीज। देखिए, ऐसा ना कहें कि हमें मतलब नहीं है, मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, हम संवाद के सारे दरवाजे खोल कर बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि ऐसा नहीं कि 68 दिनों में कुछ नहीं हुआ है, हमने संशोधनों के साथ उनसे बातचीत की, संशोधनों का प्रस्ताव लेकर हम आए, उन्होंने मना कर दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने समिति के गठन की, समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमने कहा कि 1.5 साल तक हम इसका कार्यान्वयन होल्ड पर रख देते हैं, वो प्रस्ताव अभी भी उनके सामने है, हम बड़े आदर के साथ उन्हें बुलाते हैं। लेकिन देखिए, एक बात मैं कह दूं, उसके बाद आप दूसरे वक्ताओं को बोलने के लिए आमंत्रित करिएगा, ठीक है अपराजिता जी? स्थिति ऐसी है कि हमारे अन्नदाता आतंकवादी हो ही नहीं सकते, नहीं है, हमारे अन्नदाता हिंसा का तांडव कर ही नहीं सकते। अपराजिता, एक मिनट, और सर दिनों में क्या हुआ है, क्षमा, जो विपक्षी दल हैं और जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं वो चाहती नहीं है कि इस समस्या का समाधान हो। विपक्षी दल की आपने बात कर दी, सुप्रिया जी, जी सुप्रिया जी, अपराजिता जी आपको साफ तौर पर कह रही, विपक्षी दल मतलब मुख्य तो रूप से आप ही पर आरोप है कि कांग्रेस इस आंदोलन को भड़का रही है, किसानों को भड़का रही है, और ऐसी शक्तियों को जो हिंसा करती हैं उन्हें उकसा रही है। सुप्रिया जी, आप तो लगातार इन 67 दिन में कोई भी दिन हमें याद नहीं है, ऐसा नहीं होगा जब आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आकर इस मुद्दे पर आपने चर्चा नहीं की, अपने विचार नहीं रखे। राहुल गांधी कहते हैं कि बिल्कुल मत उठिएगा किसान भाइयों, बैठे रहिएगा, हिलिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। सुप्रिया जी, क्या एक जिम्मेदार विपक्ष की यही जिम्मेदारी है? क्या सुप्रिया जी आप कहती हैं कि किसानों का दर्द 67 दिनों का, 150 से ज्यादा मौत का, सरकार को दिखाई नहीं देता, दर्द नहीं होता? क्या सुप्रिया जी आपको दर्द नहीं होता? वो खुले आसमान के नीचे अस्थाई घर बनाकर ट्रैक्टर्स में सो रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं होती? तो क्यों कांग्रेस या अन्य कोई भी विपक्षी दल सुप्रिया जी ये नहीं कहता कि भैया घर जाइए, हम आपके साथ हैं, हम संसद में यह मुद्दा उठाएंगे, आप घर बैठकर समिति बनाकर बात कीजिए, आंदोलन के और भी तरीके हैं, क्यों ऐसा नहीं सुप्रिया जी, क्यों भड़काने का काम? धन्यवाद बोलने के लिए, और मैं आशा करती हूं कि 6 मिनट 20 सेकंड तक अपराजिता जी बोली थी, और मुझे एक बात की खुशी है कि भाजपा के अन्य प्रवक्ताओं की तरह वो तू तू मैं और थोड़ी संजीदगी से बात करती है, मैं इस चीज का स्वागत करती हूँ। मुझे लगता है पब्लिक लाइफ में इतनी गरिमा मर्यादा हम सबको बनानी चाहिए। मैं 2-3 बातें बोलूंगी और मुझे लगता है उसमें आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। आज 70वां दिन है इस प्रदर्शन का, 70 से अधिक, करीब 75 किसानों की मौत हो चुकी है जो 26 जनवरी को हुआ, उसके लिए बहुत 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 दुख है। ऐसी हिंसा का लोकतंत्र में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि किसान वहां क्यों बैठे हैं। पॉइंट नंबर 1 मेरा, किसान वहां इसलिए बैठे हैं
क्योंकि सरकार उनको संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आकर रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है। सरकार ने खुद, ये पहली बार आजाद हिंदुस्तान में हुआ कि सरकार ने खुद गड्ढे और ट्रेंचेस खुलवाकर नेशनल हाईवे को ध्वस्त कर दिया, उनको नहीं आने दिया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगी क्योंकि मैं विपक्ष से हूं तो लोगों को लगेगा मैं पॉलिटिसाइज कर रही हूं। ये एक वीडियो है और इस वीडियो में अगर आप देखिएगा तो साफ है कि नई तारबंदी करा रही है सरकार, तो रास्ते रोकने का काम सरकार कर रही है। इनफैक्ट इमरजेंसी के दौरान किसान रास्ते खुलवा रहे हैं लोगों को लाने का, पहली चीज। दूसरी चीज, मैडम ने कहा कि सरकार के अंदर लचीलापन है और सरकार ने बार बार 11 राउंड बात करी। शायद मैडम को यह भी ज्ञात होगा कि 11 राउंड की बात में अंतिम राउंड में उन्होंने कहा अब जो है सो है, कोर्ट चले जाओ, अब इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। तो सरकार के अंदर लचीलापन नहीं है, सरकार के अंदर माई वे और द हाईवे है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये जरूर कहूंगी कि सबके बावजूद जो आज मोदी जी ने कहा हम एक कॉल अवे हैं, आप एक कॉल अवे हैं और जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वहां पर इंटरनेट बैन कर दिया गया है, वहां कॉल जैमर्स लग गए, ये कौन सा लोकतंत्र है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग ये सत्य दिखा रहे हैं उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। तो षड्यंत्र और सरकार में तो अंतर बनना पड़ेगा ना, सरकार थोड़ी षड्यंत्रकारी बन जाएगी। सरकार और षड्यंत्र दूर होगा तब सरकारें ठीक से चलेंगी। आपने पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया, आपने पांच पांच स्टेट में उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे घोषित कर दिए। आप मनदीप पुनिया जी जैसे यंग लड़के जो वहां से सिर्फ सत्य दिखा रहे थे, जो किसान भी हैं, उनको उनके डिफेंस लॉयर के आने से पहले कोर्ट में प्रस्तुत कर देते हैं, वो उनको जेल भेज दिया जाता है। आपने आप ही के चैनल्स के कंसल्टिंग एडिटर्स के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे। गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन देशद्रोह कभी कभी मुझे जी, आपने देख लिया टाइम, देख लिया अपना, 6 मिनट हो गए आपके। बिल्कुल जी, कौन नहीं हुए, मैं आपको बस छोटी सी बात, कौन सी ऐसी बात आपने कह दी सुप्रिया जी जो नई बात कही है आपने और जो लोगों को नहीं पता, कौन सी? दो सवाल हमने आपसे पूछे थे, दो सवाल हमने आपसे पूछे थे सुप्रिया जी, कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि बैठे रहिएगा, उठिएगा नहीं, डटे रहिए। और दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा था, क्या सुप्रिया जी आपको दर्द नहीं होता, आपको तकलीफ नहीं होती किसानों की मौत पर, ठंड के ठंड, इतनी जबरदस्त ठंड में खुले आसमान के नीचे किसान वहां पर बैठे हैं बुजुर्ग, क्या आप गई सुप्रिया जी, आपने कहा कि जाइए भाइयों घर जाइए, मैं बैठूंगी यहाँ पर? बिल्कुल सैयद जी, आपने ऐसी बात कही कि दिल छू गया मेरा, मैं बहुत अभिभूत हूँ इस चीज से। आजाद हिंदुस्तान में आजादी के 74वें साल में हम अपने किसानों को प्रदर्शन भी ना करने दें, मतलब उसमें भी आपत्ति सरकार तो लगा ही रही है, उनके खिलाफ एनआईए और उनके खिलाफ 50-50 लाख की नोटिसेस भेज रही है, उनको पिटवा रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चला रही है। विपक्ष भी कहते भैया घर चले जाओ, तुम्हें अब प्रदर्शन करने का भी हक नहीं है। अरे आजाद हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी तो किसान के पास है ना, और ये किसानों का आजाद हिंदुस्तान की बात कर रही हैं, नहीं चाहते हैं। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, आप आजाद हिंदुस्तान की बात कर रही हैं, सुप्रिया जी स्वतंत्रता से पहले से किसान आंदोलन करता आ रहा है हमारे देश में, ऐसा नहीं है एक ही बड़े बड़े आंदोलन हुए। अरे मैंने जो आपसे सवाल पूछा उस सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं आप। यहाँ दर्द की बात है, यहाँ तकलीफ की बात है, यहाँ रास्तों की बात है, यहाँ दूसरा रास्ता निकल सकता है। एक सेकंड अपराजिता जी, तीन लोग और यहाँ पर बैठे हुए हैं, सवालों का जवाब सुनकर भी अनभिज्ञ रहना चाहते हैं। अरे अनभिज्ञ क्या, आपने 5 मिनट बोल लिया वही सारी बातें जो रोज आप बोलती हैं, एक बार आपने नहीं कहा कि हाँ हमें हमें किसानों को वहां से उठने के लिए, अरे दूसरा तरीका अपनाइए। जो जो तकलीफ हो रही है, रास्ते बंद पड़े हैं, तीन तीन राज्य प्रभावित हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से आने जाने वालों को तकलीफें हो रही हैं, लोग स्टेशन पहुंचने में तकलीफ हो रही है, फ्लाइट नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो बैठे रहे, मरते रहे किसान, मरते रहे बैठे रहे, उसके भविष्य पर बनी हुई है तो तरीका आप ये सारी बातें, इसकी जिम्मेदारी सरकार लाइए, कोई समाधान है सुप्रिया जी, कोई कोई ऐसा समाधान है तो बताइए, समाधान दीजिए, भड़काइए नहीं, समाधान दीजिए। आ रहे हैं सुप्रिया जी, दोबारा आएंगे, कुलदीप सिंह जी, नहीं नहीं ये देखिए आप आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए, मैंने तो पहला सवाल अपराजिता से बोला कि सरकार फेल हुई, पहला सवाल अपराजिता से कहा सरकार फेल हुई, उसमें तो आपने नहीं कहा कि आपने सरकार को फेल बता दिया। जब राहुल गांधी सरकार में वो है ना, अरे भाई जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतंत्र का नया लोकतंत्र का प्रारूप ला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये कहेंगे कि बैठे रहो, हिलना नहीं, हिलना नहीं, वहां से बैठे रहो, ये नहीं कि कोई समाधान है तो बताइए सुप्रिया जी, कोई समाधान है तो बताइए। कुलदीप सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, आपको लगता है कि बेतुकी बात कर रहे हैं, आपकी बेतुकी बात का समाधान, सुप्रिया जी मैं बहुत बहुत सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूँ कि शब्दों की मर्यादा में रहिए आप, आपको नहीं पसंद, नहीं पसंद है तो चले जाइए, आप सरकार
नहीं पसंद है तो सरकार के सवाल विपक्ष से पूछते हैं। अरे सरकार फेल हुई है, पहला सवाल आपने सुना नहीं, सरकार फेल हुई है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि बैठे रहिए वहां पर, कोई समाधान है तो सुप्रिया जी प्रदर्शन बोलिए, बोलिए बोलिए, जनता ने उखाड़ फेंका है देश से आपको आगे और वो सब तय कर देगी जनता जनार्दन, सब जिसको जो करना है वो, जिसको बैठाना है कुर्सी पर बैठाती है, जिसको उतारना है उतारती है। कुलदीप सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, जनता जनार्दन इस देश की तय करती है, इस देश की जनता तय करती है सुप्रिया जी, कौन कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस देश की जनता तय करती है। पत्रकारों ने आपको 70 साल तक कांग्रेस को देश की कुर्सी नहीं सौंपी थी। खैर कुलदीप सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, कब तक चलेगा ये सब? कोई तो रास्ता निकलेगा ना, जब कोई विवाद होता है घर में भी, दोस्त भी लड़ते झगड़ते हैं तो कहते हैं ना, एक कदम तुम बढ़ो, दो कदम हम बढ़ते हैं। भाई दोनों अड़ जाएंगे, डट जाएंगे, तो समाधान कैसे निकलेगा कुलदीप सिंह जी? कोई समाधान आपके पास है, या आप भी वही बात करेंगे सर जो सुप्रिया जी और अपराजिता जी कर रही हैं लगातार? कुलदीप जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम दोबारा आते हैं आपके पास। भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। भानु प्रताप सिंह जी, आंदोलन का आपको अधिकार है, आंदोलन आप कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? ये जो 67, 68, 69, 70 दिन हैं, ये 170, 270 होते जाएंगे, बैठे रहेंगे सड़क पर, या कोई और समाधान आपके पास है? या हम तो नहीं, हम तो जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे, अपने इसी रुख पर अड़े रहेंगे, ऐसे में सर समाधान कैसे निकलेगा? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सुन पा रहे हैं सिंह साहब। ऐसा है, पहला काम तो ये है कि जो हमारी राजनीतिक पार्टियां है वो अपनी आवाज बंद कर दें। राजनीतिक पार्टियों से गुप्ता में सरकार की पार्टी जो है वो किसानों की बात नहीं सुनती, राजनीतिक पार्टियों को जवाब देने में उनके नेता लगी रहते हैं। हर विवेक में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी कांग्रेस कहती है किसने गलत कर दिया, भाजपा कहती है तुमने 70 साल गलत किया था, तो ये बातें ठीक नहीं है। मेरी राय हम किसान आवाज में कहें और जिसकी सरकार होगी उससे मान करेंगे, भाजपा जो कर रही है, भाजपा की पार्टी जो कर रही है वो सब देख रहा है। जो कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था वो भी हम बता रहे आपको, चौधरी महेंद्र सिंह शिकायत के साथ हमने लाल किले का धरना किया था, नक्सल राज से प्रधानमंत्री, और 31 में दिन 84 टैंकों का लाल किले से आग से गोले आए थे, आग लगाई थी और वो राशि पड़ी थी, और चौधरी महेंद्र सिंह टिकट को तिहाड़ से भेजा था कांग्रेस ने, ये पहले कांग्रेस वाले पता करने किया था कि नहीं। अब ऐसे ही यदि कांग्रेस और भाजपा में लड़ाई होती रहेगी तो किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विपक्ष वाले लोग हमारी बात न करें, हम बात करेंगे सरकार से, और सरकार से बात करेंगे और प्रधानमंत्री से बात करेंगे हम, भानु प्रताप से। और बारह बार तो बात कर चुके हैं आप सर। अरे सुना तो सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन बात करी थी, उनसे बात करेंगे और उनको इन बिलों से नुकसान बता देंगे, इन बिलों से यह नुकसान होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इन बिलों को वापस लिया जाए। किसान के हित में, देश के किसान के हित में जो जो काम हो, किसान आयोग का बैठा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू और किसानों से करिए मां, इसके अलावा किसानों का कोई नहीं है। धर्मेंद्र जी हम आपके पास आते हैं, धर्मेंद्र जी के पास आना है क्योंकि एक ही गेस्ट इस वक्त हमारे बाकी रह गए हैं। सुप्रिया जी देखिए, सिंह साहब की बात आपने सुन ली है, वो कह रहे हैं कांग्रेस हमारी बात ना करे, भानु प्रताप जी हम कर लेंगे अपनी बात, और
विपक्ष और कांग्रेस अगर आती है तो उस आंदोलन को वो दोनों बीजेपी कांग्रेस लड़ने में लग जाते हैं। इसका जवाब जब भी आपको समय मिले तब आप अवश्य दीजिए। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच फिलहाल बातचीत बंद है, लेकिन राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, क्या कोई समाधान है? क्योंकि लगातार ये होता है, दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं, राजनीति आती जा रही है, 12 दौर की बातचीत हो गई है, किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही है। कोई समाधान है आपके पास? जी जी नहीं, तनावपूर्ण समाधान है, समाधान तो सरकार के पास है, हमारे पास क्या हो सकता है। लेकिन तीन चार चीजें मैं कहना चाहता हूँ, फिर मेरे पास समय भी नहीं है, तबीयत भी खराब है। आपने जो क्वेश्चन किया था, बहन जी हैं भाजपा के प्रवक्ता, सम्मानित हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन्होंने जो बातें कही, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो सरकार का हैंडलिंग का तरीका है वही गलत है। पहले दो दौर की वार्ताओं में, तीन दौर तक तो सरकार ये खोजती रही कि कोई पाकिस्तानी कनेक्शन मिल जाए, नहीं मिला। फिर उन्होंने एक नया एजेंडा लाया कि खालिस्तानी कनेक्शन मिल जाए, फिर ये कहने लगे मूवमेंट पंजाब का है, खालिस्तान है, ये है, वो है। तब हमारी हरियाणा की खाप पंचायतें और जो हरियाणा के लोग टिकरी बॉर्डर पे आए और उत्तर प्रदेश के लोग गाजीपुर पर आए, तब इनको लगा कि अब ये भी एजेंडा आपका चलने वाला नहीं है। मैं मेरे आप सुन लें, मैं शालीनता से सुना है। तो उसके बाद जो है 10 दौर की वार्ता सरकार ऐसे ही निकाल चुकी थी। 11वें दौर की सरकार ने एक बात कही है, 11वें दौर में कहा है कि हम 18 महीने सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं। इतनी सी तो वार्ता की प्रगति है। जो कह रहे ना कि हम बार बार बुला रहे, बहुत सम्मान दे रहे, उसका भी आप देखिए, 5 घंटे की वार्ता में केवल 15 मिनट बात होती है। 10 वार्ता में कृषि मंत्री ये कहते रहे कि देखिए साहब, बिल तो हम वापस नहीं लेंगे, आप संशोधन बताइए। इतनी सी बात पे बैठक होती रही। 11वीं मीटिंग में ये कहा कि चलो हम 1.5 साल होल्ड पे कर देते हैं, और MSP का कोई जिक्र नहीं किया। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, आपने कहा राजनीति हो रही है, राजनीति मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कोई सांसद विधायक मेरे पास तो सोता नहीं, हाँ टेंट में आके अगर कोई सोता आता बैठता तो लगता कि राजनीति हो रही। और दूसरी बात, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एक ही भाषा है सरकार का, जो तरीका है सरकार के सुर में, जो मीडिया की हाँ में हाँ है, बुरा मत मानना, आपके लिए नहीं कह रहा, इस सरकार का एक ही तरीका हैंडलिंग का, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह से पहले आंदोलनों में हुआ, किसान आंदोलन को उसी तरह से तोड़ने का काम किया गया। सब आंदोलन में एक ही भाषा है कि देश के गद्दारों को, इससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता। इतना कहना चाहता हूँ कि इस मॉडल से यह आंदोलन टूटने वाला नहीं है, ठीक है। ये किसान के बच्चे हैं, ठीक है। अगर इनको आप दगाओगे तो 4 गुणी ताकत से खड़े होंगे। नहीं, आप, अरे आप दूसरों को 10 मिनट बुलाओगे? अच्छा, बोलिए 10 मिनट बोलिए। थैंक यू। कैसी बात, चलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। अपराजिता जी, सारे सवाल आपके, देखिए आपके, सुनिए तो अपराजिता जी, मैं बोल रही हूं। सारे सवाल धर्मेंद्र जी ने आपसे पूछे और ये भी कहा कि सरकार कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें ढूंढती रही जिससे किसानों से डाइवर्ट हो जाए, लेकिन वहां भी सरकार फेल रही। बताइए। बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। देखिए, हम सब जानते हैं सरकार का आभिमुख्य क्या है। सरकार अत्यंत संवेदनशील है और किसानों के साथ खड़ी है। मैं आपको कह दूं कि तथ्य और तर्क को आधार करके बातचीत करनी चाहिए। हमें विरोध करना है इसलिए हम विरोध करें, यह बिल्कुल गलत है। यह लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हम सारे विरोधियों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो भी विरोधी हैं, जो भी विपक्षी दल के नेता या सदस्य आते हैं, वो तर्क और तथ्य के साथ आए। देखिए, मैं आपको, मुझे 30 सेकंड का समय दे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो अर्थशास्त्री हैं, गीता गोपीनाथ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इन कृषि सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसके बाद अभी जो सर्वेक्षण जी को सरकार भी कह रही है, ठीक है। सुनिए तो, देखिए आप पेश किया गया, उसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं। एक सेकंड अपराजिता जी, मैं आपको कह रही हूं, सरकार भी यही कह रही है ना, 30 सेकंड दे, मुझे बोलने दें सर। नहीं, बाद में विपक्षी दल की बात कर दो, बाद में आ जाइए, विपक्षी दल की बात बाद में आ जाइएगा। मैं आपको ये बता दूं कि जो बात आप कह रही हैं, गोपी जी की बात कर रही हैं, IMF की बात कर रही हैं,
भाई सरकार तो साफ तौर पर कह रही है कि ये किसानों के भले के लिए इसीलिए हम ला रहे हैं और किसानों का फायदा ही करना चाहते हैं इसीलिए हम ला रहे हैं। तो भाई हमारी सरकार से ज्यादा भला कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था थोड़ी सोचेगी हमारे किसानों। हमने नहीं कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हमने नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं, मॉनेटरी फंड भी कह रही है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार से ज्यादा, हमारी सरकार भी यही कह रही है, वो तो दुनिया मान रही है, वो तो किसानों को यही समझा रही है बार बार। लेकिन जब घर का कोई बच्चा, सरकार हमारी अभिभावक है देश की, घर का अगर एक कोई बच्चा नहीं मानता है बात, तो अंततः कहते हैं ना कि चलो अपने मन की कर लो बेटा, कल को समझ में आएगी। तो फिर हम आपके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, हम आ रहे हैं सुप्रिया जी एक मिनट आपके पास आएंगे, तो मरवा देना, इतने लोगों की मौत हो जाना, लगातार तनाव की स्थिति बढ़ना, किसान और आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति पैदा कर देना, सरकार पुलिस प्रशासन का काम है ना। 100 किसान आए थे वहीं रोक लेते आप, हजारों किसान बैठ गए, लाखों की तादाद में किसान आ गए, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर आ गए, अस्थाई बस्तियां बन गई, अस्पताल बन गए, तो ये नाकामी नहीं है अपराजिता जी, तो क्या है? और जिस तरह से किसान लगातार और आ रहे हैं, ये आंदोलन और बढ़ेगा और गंभीर स्थिति होगी। एक सेकंड, आ रहे हैं कुलदीप सिंह जी धालीवाल। कुलदीप सिंह जी आवाज हमारी अब सुन पा रहे हैं आप, क्योंकि पिछली बार आपसे बात नहीं हो पाई थी। मुझे बोलने दे। आ रहे हैं, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं, अभी सुप्रिया जी के पास आएंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। कुलदीप जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? कुलदीप जी, हेलो। हाँ ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, बताइए कुलदीप जी, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे समाधान निकलेगा, कैसे किसान उठेंगे, कैसे सरकार मानेगी, या हम यूं ही लड़ते रहेंगे? अंसारी साहब देखिए, मैं पहले, मेरी आवाज कट गई थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो राजनीतिक दल हैं और जितने भी किसान नेता इस पैनल पे हैं, मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कल शब्द कहे हैं उनको गौर से दोबारा से सुनिए। एक ऐसा ऐतिहासिक मौका आ गया है हमारे पास कि हम भारत की कृषि को बदल सकते हैं। हम जिद्दबाजी छोड़ें, सभी जो भी, चलो चाहे किसी का कोई राजनीतिक मंतव्य हो उसी में, चाहे कोई संगठन वहां पे बैठा हो कैसे भी करके, उसको छोड़ के भैया किसान को MSP दिलाओ। सारे देश के किसान को नीचे प्राइवेट सेक्टर में MSP नहीं मिल रही, किसान कर्जे में डूबा है, हमारे पंजाब की बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे बच्चे जो विदेशों को भाग रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं। अगर आप बिल वापस करके करने की जिद्दबाजी पे अड़े रहोगे और आप बिल वापस कराकर पंजाब में वापस आ जाओगे तो आप फिर से खुदकुशी करोगे, आपके बच्चों को फिर को विदेशों में भगाओगे। अरे भाई, इस ऐतिहासिक मौके को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ विनम्रता से सभी किसान जथेबंदियों को, सभी किसान नेताओं को और सभी राजनीतिक नेताओं को भी कि इस मौके को आप माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी उन्होंने कल बोला है, मैं दोहराना नहीं चाहता, आप उसको शब्द बाय शब्द दोबारा से सुनिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने आह्वान किया कि आप भी किसानों से बात करें, खुद उन्होंने कहा कि मैं एक फोन कॉल अवे हूं, और अब हमारे पास एक मौका है कि कानून को ऐसा सशक्त बना लें कि हमारे भारत की खेती की दिशा बदल जाए। ठीक है कुलदीप जी, इसको आपस में लड़कर, ठीक है, लड़ेंगे नहीं। सुप्रिया जी, इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है कुलदीप जी, सुप्रिया जी, भानु प्रताप जी ने जब अपनी बात शुरू की थी तो उन्होंने कहा कि प्लीज आप मत आइए, कांग्रेस हमें ना समझाए, हम लड़ लेंगे अपनी लड़ाई, क्योंकि अगर कांग्रेस इस लड़ाई में कूदती है, हमारे समर्थन के लिए आती है, तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में उलझ जाते हैं, हमारा मुद्दा कहीं ना कहीं धरा का धरा रह जाता है। और दूसरी बात यह, सुप्रिया जी, ये तो आप मानेंगी कि लगातार लंबा खींचना, किसानों की तादाद बढ़ते जाना, सुरक्षा व्यवस्था सख्त करती रहना, क्या आज स्थिति तनावपूर्ण है सुप्रिया जी, और उसमें उस तनाव को कम करने किसानों सरकार के बीच कोई भी आपके पास समाधान है, कांग्रेस के पास? बिल्कुल समाधान है। मैं एक बात पूछना चाहती हूं आप ही के माध्यम से सरकार से। मोदी जी कहते हैं कि हम 1.5 साल तक इसको सस्पेंड करने को तैयार हैं। अगर आप सस्पेंड करने को तैयार हैं, तो आप एक स्पेशल कमिटी, जो विपक्ष की भी मांग थी और किसानों ने भी कहा कि एक स्पेशल कमिटी के पास भेज दीजिए इस बिल को, और वो इसकी समीक्षा कर ले, रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद इस पर बात करिए। आपको पार्लियामेंट को भी सरकमवेंट करना है, आपको ये बिल सिर्फ सस्पेंड करना है, वापस भी नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि 18 संशोधन हो सकते हैं, मतलब बिल में खामियां हैं,
तो इसमें क्या जिद हो सकती है, ये तो कोई जानना चाहेगा। कुलदीप सिंह धालीवाल जी हैं जो स्टेट एग्जीक्यूटिव भाजपा पंजाब के मेंबर भी हैं, वो जो ये नसीहत दे रहे हैं वो अपनी पार्टी की ओर से नसीहत दे रहे हैं, वो किसानों की ओर से नसीहत नहीं दे रहे। भानु जी का मैं सम्मान करती हूँ और किसान का सम्मान करती हूँ, मैं खुद किसान की बेटी हूँ और पूर्वांचल में बड़ी सशक्त आवाज थे मेरे पिताजी किसानों की जी, मैं नहीं चाहती कि ये राजनीतिक मुद्दा बने, आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं नहीं चाहती ये राजनीतिक मुद्दा बने, किसानों की हिफाजत की बात सबको करनी चाहिए, लेकिन किसानों को छोटा बच्चा समझकर, दूध पीता बच्चा समझकर, उनके विरोध को घर का कलह समझ के तो नहीं बात बनेगी ना सहित जी। अगर आज देश के किसान को लगता है कि इससे उनका भला नहीं, और मैं एक बार और बता दूं, किसान नेताओं ने क्या कहा, हम रिफॉर्म के खिलाफ नहीं है, बातचीत तो करिए रिफॉर्म में। आपने पहले दुष्प्रचार किया किसानों को, अब बीजेपी के ही नेता, और ये कैमरे पर है, नंदकिशोर गुर्जर जी तो इन्हीं के एमएलए हैं लोनी से, वो गुंडे लेके पहुंच जाते हैं, पुलिस समाजबीन बनी है, पत्थर हो रहा है, पथराव हो रहा है, ये क्या है, क्या ये लोकतंत्र है, ऐसे आप किसानों से निपटेंगे? बस सरकार को ये समझना है, और अटल जी कहते थे सरकारें बड़े दिलों से चलती है, अगर बड़े दिलों से चलती है तो बड़े दिल से किसान से बात तो करिए। आपने किसान को बोल दिया अब हमारे पास कुछ नहीं, आप कोर्ट चले जाइए, अरे निर्वाचित आप है, आपको मैंडेट, इतना तगड़ा मैंडेट दिया गया है, आप किसानों को कैसे माई वे हाई वे बोल सकते हैं, ये बताइए आप मुझे, किसानों से बैठ के बात तो करिए। अब आपने बोल, आपके नेताओं ने बोल दिया आप जाइए, हमें बात ही नहीं करनी आपसे। भानु जी, ये लचीलापन नहीं है, ये कृपण हृदय की सरकार है जी। सुन लिया आपने सुप्रिया जी को, बोल रही भैया हम तो आपके आपके समर्थन में खड़े हैं, आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आ रहे हैं अपराजित। ब्रज के गिरचंद पूजनीय लगेश महारा ने कल 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, तो गंगा बचाओ और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, सारी यमुना को अपनी कुंड पर रोक लिया था, हम आए थे, कांग्रेस ने एक बात नहीं मानी थी, और फिर नहीं मानी तो तेरे ले आए थे, कांग्रेस ने एक बात नहीं मानी, पर कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को छोड़ कर दिया, अब बीजेपी भी नहीं मान रही, अब कांग्रेस बीजेपी आपस में लड़ रही है, और जो राजनेता है सब देश के किसानों को नफी मच्छर समझते हैं, चाहे इतने मर जाओ, चाहे इतने घट जाओ, चाहे इतने जल जाओ, कोई मसल नहीं, जो सत्ता में आ जाता है वही प्रभुता पार काय बदनामी, वही अहंकार से लड़ेज हो जाता है, फिर न किसान भी सुने और न मजदूर भी सुने। भानु जी सुन लीजिए, सुप्रिया जी जवाब देना चाहती है, बोलिए सुप्रिया जी। सही जी, मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन इसमें बस ये है कि एक किसान नेता आपने धालीवाल जी को बिठाया हुआ है जो भाजपा के स्टेट एग्जीक्यूटिव के, भानु जी इस मूवमेंट को छोड़ने की बात कह चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पूरी सम्मान और इज्जत के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिप्रेजेंटेशन किसानों का है ही नहीं, तो मैं क्यों इसमें बहस में पड़ूं? मैंने जो बातें, सर मैं आपसे सुप्रिया जी ठीक है, आपने अपनी बात कर दी, लेकिन आपको ये भी बता दें सुप्रिया जी कि यहाँ पर सब लोग हैं, देखिए BKU के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, है ना, धर्मेंद्र मलिक जी बैठे हुए हैं, तो आप अपनी बात जरूर रख सकती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है, दोनों पक्ष हमेशा हमेशा होते हैं सुप्रिया जी, और आप खुद एक एंकर रही हैं, संपादक रही हैं, कुलदीप सिंह जी यहां पर हैं, सभी लोग हैं, प्लीज ऐसा मत कहा कीजिए। किसान आंदोलन में फिलहाल सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद है, यानी कि कोई वार्ता आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन राजनीति अब ज्यादा होने लगी है, बॉर्डर्स पर तनाव बढ़ रहा है, किसानों की तादाद के साथ साथ सुरक्षा बल पुलिस भी लगातार घेराबंदी कर रही है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।